हेलो एवरीवन बच्चों, मैं राइट डायरेक्शन एकेडमी जो चैनल है इसमें आपको बताया कि मैं अधिकतर मैथ्स पढ़ाता हूँ। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट बचपन से ही, जब से मैंने अपने जाना है इन सब सब्जेक्ट के बारे में, फिजिक्स रहा है। तो बच्चों, आज से मैं अपने इस चैनल पे मेरा फेवरेट टॉपिक फिजिक्स से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ये टॉपिक इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है, इसमें बस थोड़ा सा डाउट्स क्या होता है कि लोग के थोड़े से फंडे क्लियर नहीं होते क्योंकि उनको डिटेल्स में नहीं पता होता। तो आज मैं ये शुरुआत कर रहा हूँ, ग्राफिक फैन से मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो चलिए, आज मैं एक छोटा सा टॉपिक से लेके स्टार्ट किया है जिसका नाम है इक्विलिब्रियम। अच्छा, आई एम टॉकिंग अबाउट द इक्विलिब्रियम। अच्छा, दिस इक्विलिब्रियम टॉपिक इज जनरली यूज इन द मैकेनिक्स एज वेल एज इलेक्ट्रोस्टेटिक्स। ठीक है, अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम, है ना, इसको हिंदी में बोलते हैं साम्यवस्था। अच्छा, इक्विलिब्रियम मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि भाई इक्विलिब्रियम क्या होता है, एक जनरल फिनोमेना मैं आपसे पूछूं कि भाई कोई भी आदमी शांत कब है ना, पीसफुल कब है, तो आप बोलोगे सर उसमें कोई टेंशन नहीं है ना, तो आप बोलोगे सर नो टेंशन। अगर कोई टेंशन नहीं हो तो मैं बोलूँगा कि वो चीज़ इक्विलिब्रियम में है। अच्छा, वैसे अगर मैं इसको फिजिक्स की बात में बोलूं कि नो टेंशन का मतलब क्या होता है, तो इसके दो मतलब होते हैं कि भाई उसमें एक तो सारे जितने भी फोर्स लग रहे हैं वो सब जीरो होने चाहिए। और अगर आपको बात करें कि ये तो एक हम सिंपल लीनियर मोशन की बात करें, बट इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट द रोटेशनल मोशन, तो उसमें टॉर्क होता है। कोई भी चीज़ को घुमाने के लिए, रोटेट करने के लिए जो चीज़ काम आती है, दैट इज़ कॉल्ड द टॉर्क। टॉर्क भी जीरो होना चाहिए, है ना। देखो, मैं इनके बारे में और डिटेल में आपको बताऊंगा। तो इक्विलिब्रियम इन माय व्यू इट्स वेरी सिंपल कि एक तो ऑल फोर्सेस मस्ट बी जीरो एंड ऑल टॉर्क मस्ट बी जीरो, तो उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। ठीक है, अच्छा, आपको दिख रहा होगा कि सर आपने ये कार्टून क्यों बना रखे हैं, उसका मैं मीनिंग बताता हूँ। पर एक मजेदार बात क्या होती है कि ये जो इक्विलिब्रियम है ना बच्चों, इसमें भी तीन तरह के इक्विलिब्रियम होते हैं। देखो, एक इक्विलिब्रियम क्या होता है, एक होता है बच्चों स्टेबल इक्विलिब्रियम, एक होता है अनस्टेबल। ठीक है, और एक होता है आपका न्यूट्रल। अब आप बोलोगे सर इक्विलिब्रियम तो अपने आप में ही स्टेबल है ना, क्योंकि इक्विलिब्रियम मतलब ही क्या होता है, उस सिस्टम पे सारे फोर्सेस जीरो हैं तो ऑलरेडी इट इज स्टेबल, देन वाई यू आर टॉकिंग अबाउट द स्टेबल एंड स्टेबल न्यूट्रल, वो मैं मीनिंग आपको समझा रहा हूँ। तो आज की क्लास का पर्पस है कि आपको इस इक्विलिब्रियम के बारे में पता होगा। ठीक है, अच्छा चलो देखो, लेट्स एग्जाम्पल। अच्छा, मैं जब भी एग्जाम्पल देता था तो मैं अपने पुराने HOD हेड ऑफ डिपार्टमेंट, वेन आई वॉज लेक्चरर इन द ज्ञानवे इंजीनियरिंग कॉलेज, उस समय याद करता हूँ अपने खुमानी सर को। तो प्लीज़ अगर खुमानी सर इस वीडियो को देख रहे हैं तो नाराज नहीं होना, खुमानी सर बिल्कुल ये जो मैंने कार्टून दे रखा है वैसे ही थे। तो मैं एक एग्जांपल बता रहा था कि अगर मैं खुमानी सर के ऊपर एक बहुत ही सुंदर सा बॉल रख दूं, है ना, प्लीज आई एम सॉरी खुमानी सर अगर आप देख रहे हैं तो। अच्छा, एक दूसरा कि ये जो एक कप है इसमें एक मैं सुंदर सी बॉल रख दूं, एक है ना बच्चा। अच्छा, अब मैं अभी पहले आपको मैकेनिक्स करके बता रहा हूँ। अच्छा, अब आप देख सकते हैं कि ये इन दोनों केसेस में अगर मैं बात करें, है ना, कि इन इन द बोथ केसेस ये जो ऑब्जेक्ट है आपकी, ये जो बॉल है वो इक्विलिब्रियम में है। देखो, इस बॉल पे कोई फोर्स टॉर्क नहीं लग रहा, है ना, और इस बॉल पे भी कोई फोर्स टॉर्क नहीं लग रहा, बट इसमें एक स्टेबल एक अनस्टेबल। देखो कैसे है, देखो द मीनिंग ऑफ द स्टेबल इक्विलिब्रियम कि इफ यू विल डिस्प्लेस योर ऑब्जेक्ट फ्रॉम इक्विलिब्रियम एंड इफ इट विल रिटर्न और इफ इट विल रिगेन इट्स प्राइमर, है ना, प्राइमर वैल्यू प्राइमर पोजिशन, दैट इज कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम। इट मीन्स इफ यू रिमूव द इफ यू डिस्प्लेस द पोजिशन, अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा इक्विलिब्रियम से हटा दिया और वापस से उसी पोजिशन पर वापस आ जाए तो उसको बोलते हैं स्टेबल। देखो आप कैसे, अच्छा, इफ इट विल नॉट बिकम इफ इट विल नॉट कम इन इनिशियल पोजिशन इट इज कॉल्ड अनस्टेबल। ठीक है, अच्छा, अब देखो इस बॉल को बात करते हैं। इस बॉल को अगर मैंने थोड़ा सा ऊपर हल्का सा डिस्प्लेस किया, आप देखेंगे थोड़ी देर में मैं ऐसे रोटेट 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 होकर वापस यहीं पर आ जाएगी, तो इसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। अच्छा, जबकि इस खुमानी सर के सर पर जो बॉल रखी है, अगर इसको मैंने थोड़ा सा डिस्प्लेस किया तो क्या होगी बच्चों, डाउन साइड, तो ये इक्विलिब्रियम नहीं रहेगा। आप समझ में आया, तो दिस इज कॉल
अनस्टेबल एंड दिस इज कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम। देखो दोनों, अच्छा आप इलेक्ट्रोस्टेटिक्स के कंटेस्ट में बोलें कि अगर एक प्लस चार्ज है, इसको मैंने ना फिक्स कर रखा है, देखो ये प्लस चार्ज फिक्स है और इधर भी एक प्लस चार्ज है बच्चों, ये भी फिक्स है। अब आपसे पूछते हैं कि बताओ इसके बीच में हम कौन सा चार्ज रखें कि ये स्टेबल हो, अनस्टेबल हो, है ना, या फिर न्यूट्रल हो। तो चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं, अगर इसके बीच में बच्चों मैंने एक प्लस चार्ज रख लिया तो इसको हम बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अच्छा मैं ये मान के चलूँ कि अभी इस पर लगने वाले फोर्सेस बराबर हैं, है आई एम एज्यूमिंग दैट। अब इसकी वैल्यू निकालना तो अलग है, बात बात करेंगे। ये फोर्स इस पर जो फोर्स लगाएगा, ये इस पर एक रिपल्सन फोर्स लगाएगा इस तरह, है ना, ये वाला चार्ज इस पर लगाएगा एक रिपल्सन फोर्स, क्यों, क्योंकि दोनों आपके सेम चार्ज है तो दोनों रिपल्सन फोर्स हैं। अच्छा इसी तरह अगर मैं एक और ऑब्जेक्ट बनाऊं कि चलो एक और चार्ज है प्लस चार्ज, और यहाँ पर भी बच्चों एक और है आपका प्लस चार्ज, अगर बच्चों मैंने इसके बीच में एक माइनस चार्ज रखा, ठीक है माइनस चार्ज रखा, अच्छा अच्छा थोड़ा सा मैं बताने में थोड़ा मिस्टेक हो गया, इसको कहते हैं अनस्टेबल, है ना, आई एम रियली सॉरी, और इसको हम बोलते हैं स्टेबल। मैं इसका मीनिंग बताता हूँ आपको, ठीक है। अच्छा अब आप बताओ ये प्लस चार्ज इस माइनस चार्ज को क्या करेगा, इट विल अट्रैक्ट, ये प्लस चार्ज माइनस चार्ज को क्या करेगा, इट विल अट्रैक्ट, ठीक है बताओ, ठीक है क्या। अच्छा अब आप देखो, है ना, अच्छा अब माय क्वेश्चन इज इन द फर्स्ट केस, ठीक है बच्चों, अब मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे ये वाला फर्स्ट केस था आपका, ये वाला है ना, हाँ ये जो फर्स्ट केस है इसमें अगर मैं इसकी पोजीशन थोड़ी सी डिस्प्लेस करूँ, मैं इस प्लस चार्ज को यहाँ पे लेके आऊँ, अब आप बताओ कूलम्स लॉ ये कहता है कि व्हेन द डिस्टेंस विल डिक्रीज फोर्स विल बी इंक्रीज, अगर आपने इनकी डिस्टेंस डिक्रीज करी तो इनके बीच में लगने वाला रिपल्सन फोर्स बढ़ जाएगा और ये इसको ज़्यादा फोर्स से रिपल्स करेगा, है ना। तो ये जो चार्ज है ना बच्चों, ये चार्ज इस चार्ज को बहुत तेज से वापस धक्का मारेगा और इट विल रिगेन इट्स इनिशियल पोजिशन, या फिर इसको आपने इधर डिस्प्लेस किया तो इनके बीच में लगने वाला रिपल्सन फोर्स बढ़ जाएगा क्योंकि इनकी डिस्टेंस क्या होगी, कम, है ना, एवरीबडी नो कि एफ प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन आर स्क्वायर, अगर आपने डिस्टेंस कम करी तो फोर्स बढ़ जाएगा तो वापस अपनी पोजिशन लेगा। जबकि देखो सेकेंड केस में, है ना, ये सेकेंड केस में जो माइनस चार्ज है अगर आपने इसको यहाँ थोड़ा सा डिस्प्लेस किया तो आपको पता है डिस्टेंस कम होने पर ये अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाएगा, है ना, इस वाले चार्ज का जो फोर्स होगा अट्रैक्शन फोर्स वो बहुत कम होगा क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है, तो ये माइनस चार्ज को ये प्लस चार्ज अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और इसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, तो ये माइनस चार्ज इससे चिपक जाएगा, तो इट इज़ कॉल्ड द अनस्टेबल। आप समझ में आया, अच्छा तो बस ये बात ध्यान रखें कि अगर दो माइनस चार्ज है फिक्स है और इसके बीच में एक माइनस चार्ज रखा, देखो बच्चों मैं यहाँ पे कूलम्स लॉ लगा के मैं बता रहा हूँ, अगर इसका लगने वाला इस पे जो फोर्स है और इसका लगने वाला फोर्स इस पे दोनों इक्वल है तो ये पूरा सिस्टम आपका होगा क्या होगा, अनस्टेबल। बट अगर एक माइनस चार्ज है और दूसरा माइनस चार्ज है, उसके बीच में एक मैंने प्लस चार्ज रखा, इसमें भी इसका रिपल्सन फोर्स है ना और इसका रिपल्सन फोर्स, ठीक है, अच्छा यहाँ पे ना अट्रैक्शन फोर्स था ये ऐसा, रिपल्सन फोर्स बराबर है तो ये वाला सिस्टम क्या होगा बच्चों, ये होगा स्टेबल इक्विलिब्रियम। अच्छा क्वेश्चन होता है कि सर ये न्यूट्रल क्या होता है, अच्छा देखो यहाँ पे तो मैं आपको न्यूट्रल नहीं बता पाऊंगा, तो ये थोड़ा फ्लूइड मैकेनिक्स में काम आता है न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब इफ़ यू डिस्प्लेस द पोजिशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम द इक्विलिब्रियम एंड इट विल रिमेन इट्स न्यू पोजिशन, इट्स कॉल्ड द न्यूट्रल पोजिशन, है ना। देखो कई बार क्या होता है फ्लूइड मैकेनिक्स की अगर बात करें, ठीक है बच्चा मेरी फर्स्ट वीडियो है, थोड़ा ग्राफिक्स पेन का भी प्रैक्टिस नहीं है, धीरे धीरे प्रैक्टिस आएगी। एक नाव होती है जैसे, है ना, एक नाव में मैं आगे बच्चे फ्लूइड मैकेनिक्स भी आपको बताऊंगा, उसका कॉन्सेप्ट होता है, इसमें एक होता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, है ना, इसमें हम सेंटर ऑफ मास की बात करेंगे, ठीक है, और बहुत सारी बात करेंगे हम। अगर इस नाव को मैं इसकी पोजिशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दूँ और ये वैसे ही रह जाए, है ना, अपने इक्विलिब्रियम से इसको मैं थोड़ा डिस्प्लेस करूँ वैसे रह जाए तो इट इज़ कॉल्ड न्यूट्रल। तो न्यूट्रल मतलब अगर आप इक्विलिब्रियम से किसी की पोजिशन हटाते हो और वो वैसे ही रह जाता है, इट विल नॉट कम अगेन इन द इनिशियल पोजिशन, इट्स कॉल्ड द न्यूट्रल। इसका मैं एग्जाम्पल आपको
बताऊंगा फ्लूड मैकेनिक्स में, ठीक है बच्चों। एंड दिस ऑल अबाउट द टुडेज क्लास, मेरे ख्याल से आपको ये पूरा अच्छे समझ में आया होगा कि इक्विलिब्रियम क्या होता है और इसमें स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल, ठीक है। अच्छा, मैं जल्दी आपको व्हाइट बोर्ड मार्कर से भी फिजिक्स स्टार्ट करूंगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में मैं आपको चार्ट से फिजिक्स भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। और उसके लिए पहले मुझे आप बताएं कि आपको क्या टॉपिक पढ़ना है, आपको पसंद आया क्या, आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।